हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? सो आज हम देखने जा रहे हैं टिकटॉकर्स गॉट रोस्टेड ऑल ऑन लाइव टीवी शोज फीचरिंग जनरल जुबेर एंड दिस वीडियोस बाय धीरू मौंचिक। तो मतलब बड़े दिनों बाद वी आर गोइंग टू सी धीरू मौंचिक की वीडियो। तो मतलब इतने दिनों से देखा नहीं, सो थॉट लाइक मतलब आज देख लेंगे। एंड ऑल्सो ये वीडियो है मतलब टिकटॉकर्स गॉट रोस्टेड लाइव ऑन टीवी शो। तो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। स्वागत है आपका नई वीडियो में गाइस। मार्वल लिखा भाइयों मेरी टी शर्ट पे। तो आज हम देखने वाले कुछ मजेदार खतरनाक सी वीडियोस। आप सबसे पहले ये समझिए एक क्वार्टर में कितना होता है हेथविक बोल बेटा, एक क्वार्टर में कितना होता है? देखा है ना, 30 ml लिखता है वो। मुझे कैसे पता? अरे कमेंट पढ़ लो दोस्तों, तेजस्वी लोग मिलेंगे। 180 ml होता है सालो। नागिन सीरियल का ऑडिशन देने चाहिए। रोल प्ले कर सकती है दीदी। हाँ, हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। मैं तुम्हें 5 seconds दे रही हूँ। 5 seconds. It's so small. It's so small. भाई ये बड़ा क्रिंजी सा रिएक्शन। हाँ थोड़ा। इतना जज नहीं करना चाहिए। 5 seconds दे रही हूँ। 5 seconds में अपना टैलेंट दिखाओ, वो क्या होगा? दांत नहीं दिखाओ, टैलेंट दिखाओ। My face. तुम्हारा face ही तुम्हारा टैलेंट है। दूसरे लोग का फेस नहीं है। चलो भाइयों मान लेते हैं एक टाइम के लिए कि अच्छा दिखना भी एक टैलेंट होता है। ये इस लड़की का टैलेंट है, लेकिन दीदी तुमने तो अपने टैलेंट की महावेणी बाहुलिया बना रखा है दीदी तुमने। हाँ, जो रात में कोई बच्चा देख लो तो मैं तो मुंह देखा। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। नहीं पर कुछ तो होगा ना। ओके, जो का साइड ऑब्वियसली लड़की जो थोड़े से डम स्टेटमेंट दे रही है, मतलब फेस थोड़ी किसी का टैलेंट हो सकता भाइयों। माना कि तुम अट्रैक्टिव देख सकते हो फेस से। अच्छा, ये पूरा का पूरा शो है भाई, था इंस्टा शो पाकिस्तान का। सोशल मीडिया में कोई भी आता है, चाहे वो मायरा खान हो, पवाद हो, कोई भी क्रिटिसिज्म होती है। क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया? मेरे ख्याल से जो है ना, ये जिस माशरे में हम रहते हैं ये जरूरी है। अगर आपने सह लिया तो आप आगे बढ़ गए। आपने कितना सहा है? सही रहा हूँ अभी तक। अभी तक सर दर्द हो रहा होगा। मैं क्या कर रहा? बकरी है क्या भाई? अबे भाई भयंकर खतरनाक है भाई। पूरा का पूरा एक शो है बोले तो, इसमें काफी सारे टिकटॉकर्स आते रहते हैं पाकिस्तान के। तुम चाहते हो अगर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके ढूंढ ढांड के अच्छी सी वीडियो बना दो इन पे पूरी की पूरी, तो बता दो जरा, कमेंट में बना देंगे। बाकी भाई शो में बुला के बेइज्जती करने की बात आई तो इंडिया वाले भी कम नहीं है। सारे टिकटॉकर्स को बुला के उनकी बेइज्जती कर देते अपने शो के अंदर। सबसे पहले जन्नत है उसका नाम, चिड़िया जैसी है, चिड़िया जैसी है। सबर करो, आपके शो में ना कोई भी आ जाता है। सही बात है, ये वरुण भाई मेरे को वही बोल रहे थे, कोई भी आ जाता है। ये जन्नत जुबैर है, बहुत फेमस लड़की। आदम मेरी थोड़ी इज्जत की, मैं आपकी गेस्ट हूँ। मैं फिल्में करके आया, मेरी इज्जत नहीं कर रहे आप तो, तब भी टिकटॉक की वीडियोस करते हो। म्यूजिक मगर भाई भाई कुछ कुछ गलत नहीं बोला यार लॉन्डे ने, उसने एकदम सही बात बोली है। इसके तुम्हें पता है कि तुम विनोमो एप्लीकेशन पे अदर कंपनीज की वैल्यू फोरकास्ट करके अप टू 90% तक का प्रॉफिट पा सकते हो। गाइस विनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। और अगर तुम ये मेरा दोबारा प्रोमो कोड यूज करोगे तुम्हारा जो भी फर्स्ट डिपॉजिट होगा वो डबल हो जाएगा। तो भी फोरकास्ट करने वाला की जो ग्राफ का वैल्यू है ऊपर जाएगा, अगर ये सही में ऊपर जाएगा तो भाई मुझे प्रॉफिट होने वाला है, नहीं तो मुझे लॉस होने वाला है। और रेजी के साथ ये ऊपर जा चुका है और अभी जितना ही मैंने अमाउंट अर्न किया उसको मैं 24 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। एंड गाइस ट्रेडिंग करने से पहले उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पहले नॉलेज गेन करो फिर ट्रेडिंग करना शुरू करो। विनोमो पे भी तुम डेमो अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग करना सीख सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें 65,000 रुपीज मिलेंगे सीखने के लिए। मैंने भी रिसेंटली विनोमो यूज करना शुरू किया, मतलब नाउ आई एम विनोमिस्ट। आर यू? तो विनोमो एप्लीकेशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ओ व्हाट अ जुगाड़। नाइस दोस्तों, एकदम मजा ही आ गया।
साला दारू के गुलाब जामुन को खाता है। गाइस अगर शराबियों की कोई गैंग होती होगी तो ये उस गैंग का लीडर है। वेल डन, बात तो सही है भाई। अगर तुम्हारा कोई भी नशेड़ी चाचा था तुम्हें गुलाब जामुन खिलाने लगे ना, समझ लेना 10 बार सोच लेना भयंकर। ये वीडियो देखने के बाद जिंदा पकड़ना भोफड़ी वाले को, बेटे ये हाथ नहीं आएगा। जो बंदा भयंकर गुलाब जामुन में दारू मिला के पी सकता, तू कैसे सोच सकता हो तेरे हाथ आएगा। बात तो सही है। टॉयलेट एक ऑपरेशन थिएटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक लड़का आया था, लड़की ने उसे धक्का मार दिया। अंधा है बेचारा, अंधा है, ठीक है। उसे प्यास लगी लड़की भाई को दरिया देना, उसने अपनी बोतल ली और उसमें पानी भर गया भाई, पिला दिया लौंडे को। लौंडे को स्वाद आ गया भाई, सब झूले पे बैठता है, ठीक है, झूला झुला रही है वो एकदम मस्त। पब्लिक टॉय स्वच्छ पब्लिक टॉयलेट दोस्तों, यही तो एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे आंखें डोनेट हैं। अबे यार भाई कोई और कोना ढूंढ लेते, कोई और कमरा या कहीं भी, कहीं भी किसी के घर के आगे जाके बना देते यार, ये टॉयलेट ही क्यों चूज करा है इन्होंने। ओके भाई, यूजुअली जो है ये क्या बोलते हैं, वही है बॉलीवुड लव स्टोरी है, जैसे कि लड़का अंधा था, लड़की ने अपनी आंखें दी, अब ये दोनों भाई मिलजुल के रह लेंगे। अच्छा भाई क्या था ये भाई, अभी ये टॉयलेट के अंदर गए थे ना, अपनी टट्टी फ्लस नहीं करी भाई, जो दिमाग फ्लस करके आ गया यह बहन चंद्र टेकर के फूफा का हरामी निकला बे, उसका एहसान भूल गया पल भर में। भाइयों ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं अंधा होते होते बचाऊं भाई। बाकी भाइयों दिक्कत कोई नहीं है, बस ये जो कहानी है, ये जो स्क्रिप्ट है, बॉलीवुड वालों से जैसे तैसे बचा के नहीं तो भैन चो सच में पूरी की पूरी इस पे। अ मैन वाज कॉज ट्राइंग टू स्मगल 1 kg ऑफ गोल्ड इन कंपाउंड अंडर हिज वेट। ओहो ये स्पॉट एट कोची एयरपोर्ट केरला। भाई इसके तो बाल भी गए और इसका माल भी गया, साला एक किलो सोना सर पे रख के लेके जा रहा था अपने दोस्तों। इसके पकड़े जाने के बाद पुलिस वालों ने जैसे पहली गाली दी थी, पता वो क्या थी? खोपड़ी का। वाह क्या सीन है, इतना दिमाग चला ले वीडियो, समझ नहीं आया मेटल डिटेक्टर नाम की कोई चीज होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, दिस इज द रियल पावर ऑफ गवर्नमेंट। सोने की कलम से चाचा का नसीब और इस लड़की का नसीब लिखने से पहले भाई ऊपर वाले की कलम टूट गई थी। भाई वीडियो देखने वाले भाई जो सिंगल लड़की कौन जल रही है, दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ हो रहा होगा। क्या पता लड़की का मेकअप उतरने के बाद लड़के पे दया। हां शायद, बात तो सही है। कुछ नहीं कह सकते भाई। वाह क्या सीन है। अरे चाचा सामने देख के साइकिल चला लो, यहाँ पे गाइस रोड पे वीडियो बनाई जा रही है। और चाचा तुम सोच रहे हो चाचा भाई क्या देखते जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, इस उम्र में शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो बंदा वीडियो बना रहा वो है चाचा का लौंडा। अच्छा, ट्यूशन का बहाना करके आया और ट्यूशन के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा है। चाचा कह रहा है बेटे तू आ जा, तेरे पे इतने पट्टे फेरूंगा ना कि भंदर से भी लाल दिखेगी, और उसका वीडियो बनाऊंगा फिर मैं, उसे करूंगा पोस्ट। मे भी शायद भाई चाचा उस लड़की के पापा और कंफ्यूज हो रहे हो कि ये हमारी ही बेटी है। वीडियो में तेरी खत्म करता करता हूँ, वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक जरूर करना गाइस, और बताओ भाई अगला वीडियो किस चीज पे बनाऊँ। ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा। ओके ओके, सो दिस वन इज द वीडियो मतलब ऑफ धीरू, लेकिन मैं सीरियसली बोलूँ ये वाला जो पाकिस्तानी वाला जो शो था ये पूरा इंस्टा पे बना है, तो मुझे आज पता चला था टिकटॉकर्स एंड एवरीथिंग। बट लाइक सीरियसली बोलूं, शी इज रोस्टिंग द टिकटॉकर्स बेसिकली, और मतलब जो और लोग जो मतलब वो शो को रोस्ट कर रहे हैं, वो मतलब वो होस्ट को रोस्ट कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इंस्टा पे भी लाइक ये एंड मतलब उसके मीम्स भी आए हैं, तो ये वीडियो बड़ी दिन मन से मतलब बड़ी दिन बाद देखा है, नाइस। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिएगा रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।